दोस्तों, गरीबी एक बहुत ही मुश्किल और दुखद चीज है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है। उसकी भावनाएं बहुत उदासी और दर्द से भरी होती है। वह अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है। कई बार वह महसूस करता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसकी लाइफ में कई समस्याएं होती हैं। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सीमाओं में फंसा होता है। कई बार गरीब इंसान अपने परिवार को दो वक्त का खाना खिलाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करता है। उसके भाग्य में चाहे जो भी खुशियां हों, लेकिन उसे वह खुशियां आसानी से नहीं मिलती। मानो कोई अनकहा नियम हो, या कोई कुदरत की ताकत हो जो उसके पास पैसा आने से रोक रही हो, या कोई ऐसी बात है जो कि वो इंसान गलत कर रहा हो। वह अपने सपनों को पूरा करने में भी हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन दुनिया की माने तो हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब रास्ता मुश्किल होता है तो आपका धीरज और आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या हो जब आप खेल ही ऐसा खेल रहे हो जहां आपकी हार पक्की हो? क्या हो जब तुम्हें पता चले कि तुम जो कुछ भी समझते और सोचते आए हो सफलता और पैसे के बारे में, वो सब पाने का कोई तरीका हो और आप उस तरीके, उस नियम से वंचित हो? तब हमारा धीरज और हमारी लाख कोशिशों का भी नाकाम होना तय है। दोस्तों, अगर किसी खेल में जीतना है तो हमें उस खेल के नियम मालूम होना बहुत जरूरी होता है। नियमों को समझने के बाद ही हम ये जान सकते हैं कि हमें कैसे इन नियमों को अपने हित में इस्तेमाल करना है। आज हम ऐसे ही कुछ नियमों को एक बौद्ध कहानी के द्वारा जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव मुक्तिपुर में एक प्रकाश नाम का युवक रहता था। वह अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था। प्रकाश की जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी थी। वह एक गरीब परिवार से था और उसके पास आर्थिक समस्याएं थीं जिन्होंने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह एक छोटे से किराना दुकान में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी थी कि घर के आर्थिक बोझ को सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन परेशान होकर वह छोटा मन करके एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिला। इस मित्र से मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से भर गया, क्योंकि वह अपने दोस्त से बहुत समय बाद मिल रहा था। बचपन से ही प्रकाश अपने इस प्रिय मित्र से करीब था। वह दोनों बहुत ही खुश हो गए थे। उसका मित्र पूछता है, प्रकाश तुम कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब प्रकाश ने उदास मन से अपनी सारी परेशानी अपने मित्र को बताई कि कैसे वह गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की जरूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहा। दो वक्त की रोटी कमाना भी उसे बहुत मुश्किल हो गया है। तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र घबराओ मत, यहीं पास में एक गुरु है, वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं, तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर प्रकाश उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहत तंदुरुस्त हो या बीमार, और फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो, आखिर वह तो सबका भगवान है, तो फिर वह ऐसा क्यों करता है? किसी को ढेरों पैसा दे देता है तो वहीं किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बात सुनी और बोले, बच्चा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वह भगवान हम सभी का है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन हम भी तो सब उसी की परछाई हैं, तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए। लेकिन हम भी तो सब एक समान नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वह हमें एक जैसा क्यों बनाएगा? ये तो सोचने की बात होती है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, माना कि तुम्हारे दो बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार है और वहीं दूसरा बच्चा सही नहीं है, वह नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे कुछ पैसा मांगते हैं, जो कि तुम्हारे पास उतने ही पैसे हैं, तो तुम पैसा किसे दोगे? जाहिर सी बात है, तुम पैसा उसे ही दोगे जो पैसे की अहमियत को जानता है, उसे कैसे खर्च करना है या उससे कैसे और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। जो इस बात को जानता है, यकीनन तुम पैसा उसे ही दोगे, न कि उसे दोगे। जो पैसा बर्बाद करता है, नशा करता है, पैसे की अहमियत नहीं समझता, तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है, और जो अमीर लोग होते हैं वह पैसे को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती है और गरीब को और गरीब।
अगर कोई भी इंसान उन नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वह भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुवर, कृपया करके आप हमें बताएं वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन से नियम हैं, मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। तब उस गुरु ने कहा कि ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन नियमों में से 13 नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। बस उन नियमों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में जरूर अपनाना। उन नियमों में से पहला नियम है कभी हार न मानने की आदत, क्योंकि कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन तुमको सफल बना सकती है, और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है, वो हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं मानना है। दूसरा नियम यह है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचें और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना। उसी काम को पूरा करके दिखा देना जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या फिर आपके काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगे हैं, तुम समझ जाओ कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं। असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज आपको सुनाई न दे। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तीसरा नियम यह कहता है कि रिस्क लेना शुरू कर दो। आप कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क के लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है, तो यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिसे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में पढ़ो, उनको जानो। वो कितनी बार फेल हुए हैं लेकिन हार नहीं माने। वह समय समय में रिस्क लेते गए और आज कहां से कहां पहुंच गए। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम शुरू कर दोगे, उस दिन से समझो कि आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हो। चौथा नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर लोग डरते हैं, इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को ये 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, चौथा प्यार और सम्मान खो देने का डर, पांचवां बीमारी का डर और छठा मौत का डर। अगर आपको ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। इस बात से समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। हजार बार गिरो लेकिन कभी हार मत मानो। पांचवा नियम यह है कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हां वह जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो। उसे पाने के लिए 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम गप्पे मारना छोड़ सकते हो? या फिर क्या तुम अपने लक्ष्य की संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? तीसरा,
दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम क्या चाहते हो। फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। 6ठा नियम यह है कि आप जो करना चाहते हो वही काम करो। आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट है और जिस काम को करने में आपको मजा आता है। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू मत करो। उनसे कह दो कि मुझे ये काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप वह काम करना शुरू कर देते हो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा और आपको मजा भी आएगा। इसीलिए हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में मजा आए। लेकिन वहीं पर अगर आप वह काम करते हो जिस काम के प्रति आपका जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ समय के बाद आप बोर होने लग जाओगे और उस काम को छोड़ दोगे और फिर इस तरह आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए हमेशा इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। यह आपकी लाइफ का सवाल होता है, इसीलिए डिसीजन भी आपको खुद ही लेना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। 7वां नियम यह है कि सबसे जरूरी काम पहले करो। अगर आप अपने सबसे जरूरी काम को पहले खत्म कर देते हो तो बाकी के बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे जरूरी काम को पहले करने से आपका टेंशन खत्म हो जाता है, इसीलिए अपने दिन के सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए। 8वां नियम यह है कि आप अपने काम पर फोकस रखो। अगर आपका किसी काम में फोकस नहीं होता तो आपका काम कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ न किया जाए तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरे फोकस के साथ करो। 9वां नियम यह है कि अपना दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उस फील्ड से रिलेटेड सारे काम आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएं। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीजों को सीख लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड का मास्टर होना पड़ेगा, और हां, मेहनत के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अगर आप मेहनत करते रहोगे और दिमाग नहीं लगाओगे तो भी आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आपने सुना और देखा भी होगा, गधा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि वह दिमाग नहीं लगाता। इसीलिए खूब मेहनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। 10वां नियम यह है कि अपनी गलतियों से सीखो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आप भगवान नहीं हैं कि आपसे गलतियां नहीं होंगी। आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती हैं। इसीलिए गलतियां अगर होती हैं तो उनसे सीखो और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो। जो इंसान गलतियां करता है वह उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता भी है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता भी है। इसीलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाए तो निराश मत होना। अरे, गलतियां तो वही लोग करते हैं जो कुछ करने का साहस रखते हैं। जो कुछ करने का साहस ही नहीं रखते वो गलतियां कैसे करेंगे? अगर हार के डर से मैदान में नहीं उतरेंगे तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी? इसीलिए मैं यही कहूंगा कि गलतियों से मत घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो। 11वां नियम कि नई स्किल सीखो। वह सारी जरूरी स्किल्स को सीखो जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है तो आप उस स्किल की मदद से खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड सारी जरूरी स्किल्स को सीखना चाहिए। अगर आपके पास अपने फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल्स हैं तो वह आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसीलिए ऐसी स्किल्स को सीखो जो आपके काम आ सकती है। 12वां नियम यह है कि आप अपना लक्ष्य बनाओ। सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वह है अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो इस जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। इसी तरह अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। इसीलिए अभी के अभी अपना कोई लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाओ और फिर आज और अभी से ही काम पर लग जाओ। 13वां और आखिरी नियम यह है कि लोगों की मदद करो। लोगों की मदद करने से हमारा दिमाग खुद को अमीर समझता है और फिर वह हमें अमीरी की दिशा में ले जाता है और वैसे ही हमारी सोच को बना देता है। और यह बात तो हम सभी जानते हैं
कि जैसे हमारी सोच होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आज से ही लोगों की मदद करनी शुरू कर दो और अमीर बनने के लिए लोगों की दुआ लेना शुरू कर दो। और फिर ये सारी बातें बताकर उस गुरु ने प्रकाश से कहा कि अच्छा अब तुम जा सकते हो और इन बातों का पालन करो और फिर तुम मुझसे 6 महीने के बाद मिलना। प्रकाश ने भी गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला।